वेलकम इन फरहान फिल्म पे न्यू और चैनल, आई एम फरहान सिद्दीकी। आज हम देखेंगे ड्राइवर और ड्रिवन। ये भी एनिमेशन का पार्ट है। ड्राइवर फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस हाथ को मूव कर रहा हूँ तो ये हाथ भी साथ साथ मूव करें, ये इस हाथ को मैं मूव कर रहा हूँ तो ये हाथ पीछे करें, ये इस हाथ को मूव कर रहा हूँ तो ये हाथ रोटेट करें। फॉर एग्जाम्पल, कार को अगर मैं चला रहा हूँ तो उसके टायर जो है साथ साथ उसके चलें। वन मोर एग्जाम्पल, जो इंडस्ट्रियल एनिमेशन में हम लोग कर रहे होते हैं, यानी रिंग है तो साथ साथ जो उस पड़ी जमी हुई होती है, तो एक रिंग मूव कर रहा है साथ साथ उसके भी और रिंग्स मूव कर रहे हैं। तो इस किस्म की और जो एनिमेशंस होती हैं वो हम ड्राइवर और ड्रिवन के थ्रू कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से आपकी एनिमेशन, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन जो होती है वो बहुत इजी हो जाती है। किस तरीके से हम लोग ड्राइवर और ड्रिवन यूज़ करेंगे सिनेमा 4D में, आज हम देखेंगे। आ जाइए, देखिए एक बॉक्स दिया मैंने और एक और बॉक्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अगर मैं मूव करूँ तो साथ साथ ये भी मेरे साथ मूव करें। इसको मैं आऊँगा, ये फॉर एग्जांपल एक्स है मेरे पास, राइट क्लिक, एक्सप्रेसो, सेट ड्राइवर। इस पर मैं आऊँगा, ये भी वाई है, या फॉर एग्जांपल इसकी वाई ले लेता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन ले लेता हूँ, राइट क्लिक, एक्सप्रेशन, सेट ड्रिवन। जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पर, आप देखें ये जा रहा है, इधर आ रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है। इस किस्म की चीज़ें आप जो है इस तरीके से हम लोग ड्राइवर और ड्रिवन के थ्रू कर सकते। अब देखें यहाँ पे जो है ये क्यूब वन में एक्सप्रेशन आ रहे हैं, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ उसके तो ये विंडो मेरे पास ओपन हो जाएगी। ये रेंच मैपर है, यानी इसके इसकी जो एक्स है इसकी इनपुट है और इसका आउटपुट जो है इसकी पोजिशन में जा रही है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास पैरामीटर ऑन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस पर मैं करता हूँ, आउटपुट जो है ये 100 है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको यहाँ करता हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये ऊपर ना जाए, ये नीचे जाए। तो डबल क्लिक किया मैंने, इस पर आया तो -100, अब देखें वो नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं इसको ये मूव करूँ तो ये जो है चीज़ रोटेट भी हो, उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, इस पर आया मैं, ये इसको मैंने कर दिया इस तरीके से रोटेट हो, या किसी चीज़ से भी इस तरीके से, राइट क्लिक, एक्सप्रेशन, सेट ड्रिव। अब देखिए रोटेट होते हुए जा रहा है, लेकिन रोटेट जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है। आप चाह रहे स्लो हो तो इस पर आऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, देखिए ये एक्स पोजिशन है और ये है रोटेशन। इस पर मैं आया, डबल क्लिक, इसको मैंने कर दिया 360 की जगह 25, क्लोज किया। अब देखें बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है। मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये बॉक्स लिया एक और बॉक्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अगर मैं रोटेट करूँ तो ये भी साथ साथ रोटेट हो। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, राइट क्लिक, एक्सप्रेशन, सेट ड्राइवर, और इसके साथ यही चीज़, राइट क्लिक, एक्सप्रेशन, सेट ड्रिव। यहाँ पे आया, अब देखें ये रोटेट हो रहा है साथ साथ। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको यहाँ करूँ तो ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे आओगे, रेंज जो दी हुई है मैंने, और इसको मैं कर दूंगा माइनस 0 किया, देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन का, इसी तरीके से। अब एक ही चीज़ नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल जब मैं इसको करता हूँ कि ये इसको मैं ऐसे करूँ एक्स में, ये जो है जेड में जाए ऊपर, तो वो भी कर सकते हैं, यानी एक्स को मैंने किया सेट ड्राइवर, उसको मैंने किया वाई को सेट ड्राइवर। ये देखिए नीचे जा रहा है, ये ऊपर, और जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये रोटेट हो। मज़ीद एग्जांपल हम इसको देखते हैं। प्रॉब्लम मैं स्प्लाइन में आया और मैंने स्टार ले लिया, फ्लावर ले लिया, ये फ्लावर आ गया मेरे पास, इसको मैं एक्सट्रूड कर दूँगा इस तरीके से, बॉक्स लेता हूँ मैं,
इसके साथ भी मैं करता हूँ कि अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ बॉक्स को, ये भी साथ साथ मेरे रोटेशन साथ साथ रोटेशन हो। राइट क्लिक, सेट ड्राइवर, इस पर आया क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक एक्सप्रेशन, सेट ड्राइवर। अब देखें ये चीज़ हो रही है। एक्सट्रूड में आया मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, रोटेट करता हूँ मैं, देखें साथ साथ ये चल रही है। आप चाह रहे हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल ये कम हो, ये उससे कम हो, ये उससे कम हो, ये उससे कम हो, ये उससे कम हो, तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आओगे, ये 5 है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है। अब इस पर आए, डबल क्लिक, इसको आपने कर दिया 300, फिर आप आए, इसको आपने कर दिया 250, इस पर आप आए, तो आपने कर दिया 200, फिर आप आए 150, यहाँ पर आए 100। मैं यहाँ पे आता हूँ, कम हो रहा है, ये उससे कम हो रहा है, वो उससे कम हो रहा है, ये उससे कम हो रहा है। इसके एनिमेशन भी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि आप अगर आपको एनिमेशन देनी तो आप एनिमेशन वगैरह भी दे सकते हैं। देखिए ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। सिर्फ यही नहीं, आप इसको जो है ये वो भी कर सकते हैं, यानी ये प्लस में हो, ये उल्टी घूमे, ये सीधी हो, ये माइनस में हो, ये प्लस में हो, ये नेगेटिव हो। यहाँ पे मैं आता हूँ 2 में, डबल क्लिक, इस पर आया 300, नहीं माइनस 300। इसी तरीके इसको छोड़ के इस पर आया मैं माइनस 200, यहाँ पर आया लास्ट में, डबल क्लिक पे आया और ये माइनस है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट क्या ऑलरेडी एनिमेशन हुई हुई है, तो ये देखें ये इसमें आ रही है प्लस में, ये माइनस में, और प्लस में, माइनस में, जिस तरीके से हम लोग जो है वो इंडस्ट्रियल एनिमेशन कर रहे हो तो बहुत काम आती है इस किस्म की। आप बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशन कर सकते ड्राइवर और ड्रिवन के थ्रू। तो ये था ड्राइवर और ड्रिवन। आप ये कि कोई कार बनाए, उसकी जो टायर हैं वो रोटेट करें, कोई इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट बनाए, उसको ड्राइवर और ड्रिवन के थ्रू प्रैक्टिस करें, तो इस किस्म के आप असाइनमेंट करेंगे तो आपका ड्राइवर और ड्रिवन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। यानी एक्स में करें, फिर उसको माइनस में करें या प्लस में करें, एक ड्राइवर के थ्रू, यानी एक एक्सपोजिशन के थ्रू आप पोजिशन, रोटेशन, स्केलिंग भी जो है ड्रिवन कर सकते हैं। और सिर्फ पोजीशन ही नहीं, आप मटेरियल को भी एनिमेट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज हो रहा हो तो वो भी ड्रिवन के थ्रू। ये जो ड्राइवर ड्रिवन जो है वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एनिमेशन दिखने में और करने में बहुत आसान होगा। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उतनी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन आप इजीली कर पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।